अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज आप लोग एक बार फिर मौजूद हैं शेख अवेरी वजीद सेटअप पर और मैं हूं मोहम्मद सालमीन आपके साथ। और फ्रेंड, जैसा कि हमने अपनी जो फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मैं थैंकफुल हूं अपने सारे व्यूअर्स का और जो जो हमारे सब्सक्राइबर बने हैं उनका बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही वजह है कि मेरा माइंड था कि मैं वीकली वीडियो अपलोड किया करूँगा, लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया है और इतने अच्छे कमेंट्स आए, लाइक्स आए वीडियो पर कि मैं मजबूर हो गया। और ये अप्रिसिएशन देख के मैंने आज ही सोचा कि जो कमेंट्स के अंदर आप लोगों के सवाल हैं उनके ऊपर वीडियो बनाई जाए और अपलोड की जाए। तो उसी हवाले से आज की जो वीडियो है, काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने जो है कमेंट करा ओवरव्यू में, जो उन्होंने देखा जो मैंने सॉफ्ट फूड का एक क्लिप ऐड किया था कि सालमीन भाई आपने सॉफ्ट फूड के अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करे हैं और किस तरह आप देते हैं बजीज को, थोड़ा ये डिटेल में बता दें। तो वही आज हम डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको फ़र्स्ट वीडियो में बताया था कि आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस होंगी वो तमाम हम डिटेल्ड आपको तमाम चीज़ें बताएंगे आपके कमेंट के ऊपर। और आज की जो वीडियो है, जैसा कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया कराची के अंदर, तो उस हवाले से यानी बजीज़ की जो सॉफ्ट फूड की एक्चुअली जो इन्ग्रीडियंट्स होते हैं वो मौसम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जिस तरह हम यानी ह्यूमंस जो हैं, इंसान जो हैं, अब जैसे सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो हम प्रोटीन ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं, बॉयल एग्स हो गए और गोश्त वग़ैरह इस टाइप की चीज़ें, कॉफ़ी का यूज़ हो गया। तो इसी तरह बजीज का भी जो है वो डाइट चेंज होती रहती है मौसम के हिसाब से। तो जैसा कि अब समर स्टार्ट है तो अब जो सॉफ्ट फूड की जो डाइट है वो थोड़ी चेंज होगी और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है और किस तरह से अपने बजीज को देना है। तो चलते हैं आज के सॉफ्ट फूड की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सॉफ्ट फूड है अब हम इसको चॉप कर लेंगे, ताकि कुछ बजीज होते हैं जिनको आदत नहीं होती, जैसा कि अगर आप लोग इसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, जाहिर है जब वो नया नया देखेगा इस तरह के सॉफ्ट फूड को तो वो इतना शौक़ से नहीं खाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा चॉप कर लिया जाए ताकि वो खा ले, उससे ज़ायका आ जाए बजी को कि है क्या चीज़, तो फिर वो इसको बहुत शौक़ से खाने लगेगा। तो फिर जब वो हैबिचुअल हो जाए तो चॉप करने की नीड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसको चॉप करना। तो इसको हम इस तरह से जो है चॉप कर लेंगे। और आप इसको चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं या किसी ग्राइंडर के थ्रू भी चॉप कर सकते हैं। और मैं जो है इसको इस तरह चॉप करता हूँ। ये देखें आप, ये इस तरह चॉप होना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो बीन्स है ये अच्छे से मैश हो चुके हैं और अब इसके अंदर जो है हम अपनी वेजिटेबल्स को जो है मैश करेंगे। और सबसे पहले मैं लूँगा कैरेट जो है हमारे पास, उसको मैश करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैरेट जो है ये मैंने मैश कर लिए और अब जो सेकंड जो है वेजिटेबल वो ये हम खीरा लेंगे और इसको मैश करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये खीरा भी जो है इसमें मैश हो गया है अच्छे से और अब जो है हमारी थर्ड वेजिटेबल है ये जो पत्ता गोभी है और करम गल्ला भी कहते हैं इसको, अब हम इसको मैश करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो है हमारी पत्ता गोभी जो है ये भी मैश हो गई है ज़बरदस्त तरीके से और अब जो है हमारा धनिया बचा है और पालक बची है, उसको जो है हम नाइफ से चॉप करेंगे और अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चॉप होगी। तो
फ्रेंड्स, ये हमारा धनिया जो है अच्छे से चॉप हो चुका है और अब हम इसको जो है अपने सॉफ्ट फूड में ऐड करेंगे। और इसके बाद जो है वो जो है हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वेजिटेबल्स का, जो कि हमारी स्पेनिच है, और उसको हम चॉप करना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जो है हमारी चॉप हो गई है अच्छे से और अब इसको हम सॉफ्ट फूड में ऐड करेंगे। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर जो है आपके बर्ड्स को लूज़ मोशन है तो आप स्पेनिश बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है मिलता है बजीज को, जो कि गर्म होता है उनके लिए और बहुत नुकसानदेह है अगर उन्हें मोशन है तो। आप बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करेंगे सॉफ्ट फूड के अंदर। और ये जो है अब मिक्सिंग के लिए रेडी है हमारा सॉफ्ट फूड और इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं सॉफ्ट फूड हमारा जो है अच्छे से मैश हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है, इसकी मिक्सिंग कंप्लीट हो गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये अवेरी से मेरे बजीज देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं खाने के लिए, शोर कर रहे हैं और ये सारे बिल्कुल जाली पर चिपक गए आके और शोर मचा रहे हैं कि मैं इनको डालूँ। तो अब जो हमारी लास्ट जो इन्ग्रीडियंट है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। और ये फ़र्स्ट हमारा मिनरल पाउडर है जो कि मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा। और ये जो है ऑर्गेनिक है और ये मैं परचेज़ नहीं करता, ये मैं नेचुरली इसको हासिल करता हूँ और जो है ये मेरा सेल्फ मेड है। और ये बजीज को मेजॉरिटी डिज़ीज़ से महफूज रखता है। और सेकंड जो मैं ये यूज़ करने जा रहा हूँ ये कैल्शियम पाउडर है जो कि बहुत हेल्दी है ब्रीडिंग के लिए और ब्रीडिंग क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, एग शेल की क्वालिटी के लिए, उन बर्ड्स के लिए, फीमेल्स और मेल्स के लिए जिनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और उन बर्ड्स के लिए स्पेशली जो लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि भाई दुमे टूट जाती हैं मेरे तोतों की, समझ नहीं आता कि क्यों टूट रही हैं, या बच्चे हैं वो एडल्ट हो गए, सेल्फ फीड पे आ गए हैं लेकिन उनके जो है बॉडी पे फेदर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी से ही होता है। और ये पाउडर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कैल्शियम के लिए बजीज की। और ये लास्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जो है विटामिन पाउडर है, मिनरल पाउडर है, ये भी नेचुरली है। ये मैं कोई भी चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि मेडिसन से अपने बजीज को महफूज रखूँ, मेडिसन की नौबत ना आए। और ये जो पाउडर्स हैं, अगर ये डाइट जो है आप अगर ये डाइट देते हैं अपने बजीज को, अगर आप ट्वाइस अ वीक भी देते हैं, हफ्ते में दो मरतबा भी देते हैं, तो आई गारंटेड के कोई बीमारी कोई चीज़ आपके वजीज में नहीं आएगी इंशाल्लाह। और सॉफ्ट फूड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था कि इसमें चेंजिंग होती रहती है, इसमें रद्दोबदल होता रहता है वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, वक्त के साथ साथ जो है वेजिटेबल्स, कभी मैं चुकंदर ऐड कर देता हूँ, कभी लौकी ऐड कर देता हूँ, तो मैं अपने वजीज की हेल्थ और उनकी प्रोग्रेस को देखते हुए जो है इसके अंदर चेंज मैं करता रहता हूँ। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह ताकि ये सारे सॉफ्ट फूड पे लग जाए और जब बजीज इसको खाएं तो वो इन तमाम मिनरल्स और कैल्शियम को अपनी बॉडी में शामिल कर सकें गिज़ा के थ्रू। और ये जो है हमारा सॉफ्ट फूड तैयार हो चुका है
और अब हम इसको सर्व करेंगे। और लेमन का मैं आपको यूज़ बता दूं स्टार्टिंग में, जो आप लोगों ने देखा था, ऐसा ना हो कि फिर कोई सवाल करे कि आपने लेमन दिखाए थे, वो तो आपने यूज़ नहीं करे। लेमन का जो है बहुत सिंपल सा यूज़ है, ये फ्रेश लेमन आप ले लेंगे और एक लीटर आप पानी की जो बोतल होती है वो लेंगे, उसको आप फ्रेश वाटर से फिल करेंगे। आफ्टर इट आपने एक लेमन जो है उसको सेंटर से आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो इसके बीज होते हैं उसके बीज को आप रिमूव कर देंगे और उस एक लीटर की जो बोतल होगी फ्रेश वाटर की, उसको जो है उसमें से आप थोड़ा सा पानी किसी मग वगैरह में ले लें, किसी जार में, ग्लास में, कप में ले लें और उसके अंदर इन दोनों नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ दें और उसको वाटर में अच्छी तरह से शेक करके जो दोबारा है आप पानी की बोतल में डाल दें और उसको शेक करके आप बजीज को दें हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए। और जो बजीज को गर्मी से दस्त हो जाते हैं, लूज़ मोशन हो जाते हैं या परिंदा अनएक्टिव हो जाता है, हाँपने लग जाता है, पर गिरा के बैठ जाता है, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। गर्मी का तोड़ है ये नींबू का जो पानी होता है बजीज के लिए, और ह्यूमन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम लोग यूज़ करते हैं लेमन का, यूज़ बढ़ाते हैं, तो आप इंशाल्लाह इसको आप गर्मी से बचाने के लिए अपने बर्ड को लाजमी यूज़ करें और इसको डेली इसको पानी में आप डाल के एक लीटर पानी में एक लेमन या दो लेमन, डेढ़ लेमन आप अपने हिसाब से बर्ड्स के हिसाब से डाल के दें, तो गर्मी में आपका तोता सुस्ताएगा नहीं, हाँपेगा नहीं, वेट नहीं गिराएगा और मोशन वगैरह से बचा रहेगा। जिसको मोशन है भी उसकी वीकनेस जो है वो कवर हो जाएगी। तो अब जो है ये सॉफ्ट फूड मैं आपको दिखाता चलूँ कि किस तरह से मैं अपने बजीज को देता हूँ और वो कितना इसको इन्जॉय करते हैं और कितने शौक से खाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सॉफ्ट फूड लगाने जा रहा हूँ अपने बर्ड्स को और ये इतना शौक से खाते हैं। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट फूड की प्याली है और ये प्याली पे आगे बैठ गया कि मैं इसको सॉफ्ट फूड डालूं और ये खाना स्टार्ट करें। तो अब इसको डालते हैं, देखिएगा ये कितने शौक से जो है इसको इंजॉय करेगा इंशाल्लाह। इसमें जो है वन स्पून इज़ इनफ फॉर वन पेयर बिकॉज़ क्योंकि आप इसको ज़्यादा देंगे तो ये वही चीज़ खाएगा जो ये लाइक करता है, बाकी चीज़ें जो है ये नहीं खाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि इसकी डाइट है तो हमें इसे सारी चीज़ें देनी है ताकि ये हेल्दी रहे। फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गर्मी आपको पता है कितनी पड़ रही है कराची में, और आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेयर्स की जो है हेल्थ चेक कर सकते हैं और इनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता गर्मी हो या सर्दी हो, क्योंकि जो ये डाइट लेते हैं वो इनको बहुत ज़बरदस्त दी जा रही है। तो माशाल्लाह ये एक्टिव भी हैं, हेल्दी भी हैं और मेरा कोई तोता आपको अल्हम्दुलिल्लाह हाँफता हुआ या इस तरह नज़र नहीं आएगा। जबकि दोपहर का टाइम है, इस टाइम पीक पे होती है हीट स्ट्रोक जो है अपनी। और ये मेरा सेकंड मेल है, ये भी ब्रीडर पेयर है, इसके भी माशाल्लाह चिक्स निकले हुए हैं और इसकी आप हेल्थ देख सकते हैं। और ये एक और एक पेयर है,
अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ये ग्लो कर रहा है और अभी ये ब्रीड करके फ्री हुआ है, इसको रेस्ट पे रखा है मैंने। माशाल्लाह 5 बच्चे इसने निकाले हैं और बहुत ज़बरदस्त बच्चे निकाले हैं, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिया है। और तकरीबन 4th ब्रीड थी इसकी है मेरे पास और हर बार इसका इसी तरह 5 to 6 चिक्स का रिज़ल्ट रहता है। माई मोस्ट फेवरेट मेल और ये बहुत ज़बरदस्त ब्रीडर मेल है। डिफरेंट मैंने फीमेल से इससे ब्रीड ली है और हर फीमेल से इसने बिल्कुल यूनिक रिज़ल्ट दिया है। कभी इसने ऑफलाइन में चिक्स दिए हैं, कभी स्ट्रेंगल में दिए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आउट क्लास इसने जो है वैरायटी मुझे रिज़ल्ट आउट की है। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये मेरे घर के चिक्स हैं और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न के लिए जो है मैंने होल्ड किए हैं और आफ्टर अगस्त इसको इनको मैं ब्रीडिंग पे लगाऊंगा इन पेयर्स को, तब तक ये रेडी हो चुके होंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है ये बहुत ज़बरदस्त म्यूटेशंस जो हैं मुझे रिज़ल्ट आउट करेंगे। फ्रेंड्स घर के चिक्स का पेयर है, ये फीमेल है ऑफलाइन की जो मैंने अभी आपको बताया, जो मेरा मोस्ट फेवरेट मेल है उससे मैंने रिज़ल्ट आउट ली थी ऑफलाइन। बहुत हाई क्लास क्वालिटी फीमेल है, पट्ठे हैं ये अभी काफ़ी छोटे हैं, ये नेक्स्ट सीज़न के लिए ही ब्रीडिंग करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा है और नेक्स्ट ईयर जब इनसे ब्रीड लेंगे तो आपको। और ये फ्रेंड्स पेयर है लोटिनो होगरोमो के स्प्लिट हैं, ये भी घर के निकले हुए हैं और इनको मैंने आपस में पेयरिंग की है ताकि इनकी पेटल क्वालिटी जो है फ्लावर की वो बेटर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं इस सॉफ्ट फूड का रिज़ल्ट, और ये रिज़ल्ट जो है कोई ऐसा नहीं होता कि आपने आज खिलाया और हफ्ते भर में आपके तोते में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आ गया, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो सॉफ्ट फूड ये वो चीज़ है कि इसका जो है जनरेशन्स में रिज़ल्ट चलता है और ब्रीडिंग रिज़ल्ट जो है इसका आगे नज़र आता है। टाइम लगता है मिनिमम 2 मंथ्स और 1.5 मंथ उसके बाद आपको रिज़ल्ट नज़र आता है कि अब जो है आपका बर्ड क्या है और पहले क्या था। और तमाम चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि ऑर्गेनिक ही रखूँ, इवन कि इनकी स्टिक्स हो गई A to Z, जितनी मेरी कोशिश होती है मैं चीज़ों को ऑर्गेनिक रखता हूँ इनकी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इन्जॉय की होगी आप लोगों ने काफ़ी, और मेरी कोशिश रहेगी आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल वीडियोस बजीज से रिलेटेड आप लोगों के लिए बनाता रहूं और अपलोड करता रहूं। बस आप लोगों की यही मोहब्बत और यही अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई हुआ अपनी फ़र्स्ट वीडियो के रिव्यूज़ से और उसके कमेंट्स और लाइक्स से, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप लोग साथ रहेंगे और इसी तरह अप्रिशिएट करते रहेंगे मेरी तमाम वीडियोज़ को। तो फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और फ्रेंड्स आज की वीडियो हम अपनी यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप जो कमेंट करेंगे न्यू टॉपिक के लिए उसी के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।